चलो रे यहाँ आओ, ट्रेन के अंदर आओ, आपको दिखाऊं अंदर से ट्रेन कैसी होती है। अंदर चलो, अब आपको ट्रेन का इंजन दिखाऊं जिसके जरिए से ट्रेन चलती है। उसको भूख लग रही है जी। यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा स्टॉल हैं और लोग यहाँ जो मुसाफिर उतरे हैं वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। और कुछ लोग तो नाश्ता लेके डिब्बे में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और हम भी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो नाश्ता हो रहा है यहाँ पर पकौड़ों का और हलवा पूड़ी का हो रहा है। ये देखें कितना रश लगा हुआ है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं पकौड़े। लोग लेते हैं टिकट, ये टिकट कर लिखा हुआ है। और यार साहब ये समझ रहे हैं कि ये स्कूल है और इतना गद्दा भू बनाया है यार साहब ने, कोई बात नहीं। इसको सुबह सुबह उठा के ले आए, इसकी नींद ख़राब हो गई है। रात को लेट के ही लेके जाए तो नींद भी ख़राब, सुबह जल्दी उठा ले फिर भी ख़राब। ये ख़राब ही रहते मेरे बेटे। खाओ ट्रेन के अंदर पानी कैसे जाता है, जो वॉशरूम में लोग यूज़ करते हैं ना पानी, वो देखो। वो ट्रेन के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ, वो पाइप लगा रहा है। अब उसके लिए सारा पानी जो हर ट्रेन के जितने भी वॉशरूम है ना वहाँ जाएगा। और लोग जो पीने का पानी है ना वो बोतलों में भर के चले जाते हैं। रहते थे ना हम अभी नानोगढ़ जाते थे बिहाड़ी, जो बिहाड़ी की टिकट मिलती थी ना यहाँ से टिकट लेके हम जाते होते थे। यहाँ से मुसाफिर टिकट लेते हैं। नींद आ रही कि थक गए हो? गोदी मामू ने उठाया, थक तुम गए हो? ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है, वो देखो अभी भी लोग आ जा रहे हैं। आपने कहीं जाना है? चाय पीनी है। कभी पी है? चाय पीनी है। यहाँ से पानी पी लो, जो मुसाफिर होते हैं ना यहाँ से पानी की बोतलें भर भर के फिर अपनी सीट पे लेके जाते हैं और अपने सफ़र में पानी यूज़ करते हैं। आप यहाँ से पी लो फिर घर चलते हैं। आह लें जी रियान साहब को, बिला आखिर हमने चाय ले दी स्टॉल से, क्योंकि चाय कर रहा था। चाय पीता पूता कोई है नहीं, वेस्ट ही करेगा। इंजन दिखाएं जिससे ट्रेन चलती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड है ना, जिसकी वजह से इतनी लंबी ट्रेन खींच से है। मामू के साथ जाओ, ये देखो रिवाज़, ये देखो इसको इंजन कहते हैं। ओए ला, इंजन में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं।